अब केला का दुकान फेमस कर दो क्या, सब इधर ही आएगा केला लेने। Welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. So, काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आज है शनिवार, मतलब सैटरडे आज और कल है संडे। कल 3 तारीख होगा ना, फिर मार्च 3 तारीख। कुछ दिन पहले मतलब मैंने वो अपना जो नक्शा होता है ना, नक्शा को क्या बोलते हो, अरे मैं भी बोलिया, मतलब डेट ऑफ बर्थ लेके क्या क्या टाइम हम लेके बनाते हैं ना वो नक्शा, वो पंडित जी को दिखाया था। पंडित जी ने बोला भाई ग्रह है, ये शांत करने पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि 3 तारीख को ये संडे को वो मतलब पूजा करे घर में, नहीं मंदिर पे। घर में कर सकते थे हम लोग 4 तारीख को, जल से जल करना है मंदिर में जाके। तो कल 3 तारीख है, मंदिर में जाके हम लोग करेंगे ग्रह शांति। और हाँ, ग्रह शांति का पूजा है। सो मेरे ऊपर भाई ग्रह है अभी, सो उसे शांत करना है, सो उसी के ऊपर है। सो मैं भी थोड़ा बहुत विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मतलब पूरा का पूरा आपको पता ही है एस्ट्रोलॉजी या हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, तो पूरा का पूरा भाई एस्ट्रोलॉजी हमारे आसाम से ही निकला हुआ है। सो इसीलिए प्राग ज्योतिषपुर भी बोलते हैं, ज्योतिषपुर। सो पहले बोला करते थे, अभी तो नाम खैर आसाम हो गया। कल शाम को बहुत कुछ लेकर आया पूजा के लिए और कुछ बाकी है आज हम लेके आएंगे। वो उस दिन वो नक्शा वगैरह दिखाया था ना पंडित जी को, सो उससे पहले तो मैं सोच रहा था कि मेरा राशि कुंभ राशि होगा, सब नाम भी अलग निकल गया उसमें और जो राशि है वो भी चेंज हो गई। भाई मीन राशि निकला है अपना। मैं सोचा था इतने सालों से भाई कुंभ राशि देखता था मैं। आपको राशि वगैरह पता नहीं होगा ना, अगर आप मान लोगे ये राशि है तो आप देख रहे हो वो राशि के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आपको लगेगा हाँ ऐसा ही चल रहा है मेरे लाइफ में भी। सडनली राशि चेंज हो गया, अब आप दूसरा राशि देख रहे हो, हाँ ये भी ऐसा ही चल रहा है मेरा जैसा, पता नहीं। मेरा मेन दिक्कत कहाँ पे आ रहा मालूम है, माइक, मोबाइल का माइक ख़राब हो गया है और हेडफोन का माइक यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हेडफोन भी थोड़ा बहुत ख़राब निकला है। कैंटीन जाना है कब से खुला, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 1800 कितना होता है 6 बजे तक। तो अभी मैं आया हूँ सात गांव बाजार पे। अभी यहाँ से एक भैया को बोल दिया टी शर्ट पैक करने के लिए, टी शर्ट हमें सस्ता मिलता है पूजा के लिए। सो यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा है। ये दुकान वाला कहाँ पे चला गया, छाता है नहीं है। यहाँ पे फल फ्रूट लेना है मुझे, केला सेब अंगूर वगैरह जो हो सकता है वो लेना है। चीनी चंपा है क्या, कम ना हो यार, केला का दाम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पे। फल सेब वगैरह लेना है तो उधर जाने पड़ेगा अभी हम लोग को। किंतु आमी माने अपना और से टका दी थी दूध यार, এটা সরাবাটো তো না পাইতো নি কুয়া 30 টাকা দাদা, সেম টু সেম আছে। এটু আছে না কি বলে নাম কি রায়, এটা নাম কি কি আছে এটা। अब केला का दुकान फेमस कर दो क्या, सब इधर ही आएगा केला लेने। तो भैया ये सब केला का नाम बोले तो ये मतलब का है, उसका नाम क्या है, जहाजी है इसका नाम। और ये सब चनी, ये भी जहाजी, ये भी जहाजी, ये सारा जहाजी है, सब जहाजी रखे क्या। ये चनी चंपा है, चनी चंपा खत्म हो गया है मालवा, ये मालवा के। और वो सब चनी मौसम तो मैं एक साल से बेच रहे नहीं भैया, आज हो गया 1 महीना, मैं आपको 1 महीने। वो नारियल कैसे करके, नारियल 400 रुपये, 400 रुपये बोले मेरे पे। एगो चाहिए, एगो चाहिए, एगो एगो। और ये क्या बोलता है सेब कैसे करके, 160 केजी कम कीजिए थोड़ा, 1 केजी लूँगा ये और वो एक टू चाहिए। हाँ वो थोड़ा कम कीजिए,
कितना पाव बोले? चालीस रुपये आधा के जी दे दीजिए। आज भाई बाइक ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है। सुबह से दौड़ रहा हूँ और अभी फिर से शाम को निकल चुका हूँ सामान वगैरह लेने, जो भी भूल गया था तो अभी फिर से जा रहा हूँ बाइक निकाल के। भाई सुबह से यही बाइक से ही हम इधर उधर जा रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, इतना टाइम निकाल के भी ब्लॉग बना रहा हूँ, क्या बात। सो अभी जाके रिलैक्स मोड में आया हूँ भाई, सुबह से भाग ही रहा हूँ। भाग भाग के हालात ख़राब हो चुका है, रेस्ट लेने पड़ेगा। और दो तीन सामान बचा हुआ है उसको कल सुबह ही कर देंगे काम तमाम। सभी रेस्ट करते हैं भाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहा है 5:30 के करीब, मैं निकल चुका हूँ भाई रोड के तरफ और कुछ पत्ता वगैरह चाहिए बोले वही लेकर आने। भाई मंदिर पे आया, मंदिर में पेंटिंग वगैरह चल रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद शिवरात्रि है। और आज सुबह उठा भाई 5:30 के करीब, सुबह से बिजी हूँ, अभी जस्ट नहा के फ्रेश होके अभी मंदिर पे आया था सामान रखने के लिए और पंडित जी वगैरह भी आ चुके हैं। सो चलो और सामान लेके आना है, अभी तो फिलहाल मंदिर पे हूँ, पंडित जी भी आते होंगे घर पे अभी फिलहाल। रे नो रे ना सभी चल रहा है टी ब्रेक दोस्तों। यहाँ पे 2-3 घंटे का पूजा है, हमने ले लिया टी ब्रेक। सो जितना भी कार्यक्रम था वो कल हो चुका है ख़त्म। सो अच्छी तरीके से पूरे 3 घंटे में, यूजुअली मैं खाना वगैरह खाता नहीं हूँ, सुबह डायरेक्ट लंच खाता हूँ, भूख वगैरह नहीं लगा। सो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हेयर के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है वो आपको शायद 3 महीने बाद यूट्यूब पर देखने के लिए मिले। सो आपके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, मैं हाँ सच में बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर वो चीज़ कामयाब हो गया तो। सो स्टे ट्यून। सो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड गाइस। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द थम्स अप बटन।